यहाँ देखो, यहाँ से आने लग गई। मैं हूँ महारानी इस देश। सकल देख ला वाला देश की। जो भी मेरे राजमहल में काम करना चाहता है वो आ सकता है। गाइस आज से संडे है, तो आज से मतलब हल्की फुल्की चार पांच दुकानें खुलने लग गई सब्जियों की, तो ठीक लगा। नहीं तो और दिन सब्जियों में संडे को एकदम पूरा बंद हुआ रहता था। गाइस टीटू को अगर बंदर बोलेंगे तो सीधा चले जाता सर। टीटू बंदर आ गया, आड़ू खा दी उसने सब, आड़ू खा दी उसने सब। ऊपर देख, ऊपर देख क्या तुम वहाँ वहाँ देख क्या, तो देखो हाँ घूम फिर के वहीं जाएगा। नीचे जा, खेत में बंदर है, खेत में बंदर है। टीटू चले गया बंदर, टीटू बंदर चले गया। आ जा आ जा, देखो आ गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, पूरे पेड़ पेड़ मतलब इधर उधर हिल रहे हैं पूरे। गाइस थैंक यू, क्योंकि हमें यूट्यूब से इतना सारा प्यार मिला कौन सा कि हमारे मतलब मिलियन, लेकिन धीरे धीरे आपके उससे हो जाएंगे। इतना प्यारा लग रहा है, देखो ये देखो दूसरे गुलाब। गाइस जाता हूँ छत में, चलो गाइस चलते हैं छत में। गाइस देखो नया मंदिर भी बन रहा है, तो मतलब वो पुराना वाला मंदिर रहेगा अभी, जो पुराना वाला है उसको तोड़ देंगे। अच्छा तोड़ देंगे, तो उस जगह में क्या करेंगे? पता ग्राउंड बना देंगे उस जगह में, मैं नाचूंगी। गाइस देखो टीटू भी आ गया कमरे में, उसको टीटू रास्ता पता है। टेढ़ा देखो देखो गाइस इधर नीचे से आ गई। रुको ला रहा मैं चाबी, मैं अंदर जा रहा था ना कमरे की चाबी लाने भूल गया। अच्छा ये चाबी यार देखो, मुझे सबसे अच्छा कमरा लगता है, एकदम सॉफ्ट गुदगुदा। देखो गाइस ये हमारा पूजा वाला स्थान, यहाँ देखो काले हो जाते हैं बार बार, लेकिन माजी साफ करती है तो कभी कभी तो फिर से काला हो जाता है जितनी बार साफ करो। उस हिसाब से नानी के घर में थोड़ी गर्मी है, जिस यहाँ तो बहुत ठंडा है, यहाँ तो फैन की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी जब हवा कम हो जाती है ना, वैसे खिड़की भी है लेकिन रात को खिड़की पता नहीं क्यों नहीं खोलती माजी। वहाँ क्यों नहीं खोलती हो? नहीं यार डर लगती है। एक बल्ब ऐसा नहीं है गाइस, देखो यहाँ का बल्ब पता नहीं क्यों ब्लिंक हो रहा है, मुझे लग रहा है फ्यूज हो रहा है। देखो ये तो क्यों हो रहा है सर, ये तो थ्री इडियट्स वाली याद आ रही है, तो राजू राजू के घर का सीन हो रहा है। तेल निकालते हैं से, यहाँ तो आंखें चमका रही है। देखो गाइस शैतान को अंदर नहीं आने देंगे तुझे, हैं किसने बोला तुझे आने के लिए? जब अंदर आते तो बेड में चढ़ जाते, गंदा हो जाते बेड, है मिट्टी मिट्टी लगी रहती पैरों में। टीटू तू तो क्यों आया इधर है? टीटू नीचे बैठ जा, ठीक है? हम नहीं अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, अंदर तू बेड में आ जाएगा फिर, बैठे रहे यहीं पे। माँ जी यार कुछ बनाओ यार खाने के लिए। लेके आना क्या? वही फ्रेंच फ्राइज बनाओ यार। माँ तो बना रही हूँ मैं, बना रही हूँ, इसको देखो। टीटू चुपचाप रह, क्या क्या लाना है? वो ले आ एक, वो एक एक क्या लाना है ये बोलो ना, एक बल्ब। हाँ और एक बल्ब लाना, और क्या लाना है? और क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा भीषण। अच्छा गाइस सीटों को अंदर ला गए, बहुत रो रहा था, इतना परेशान कर रहा है, लास्ट में आएगी। मेरा मन हो रहा था फ्रेंच फ्राइज खाने का, तो मैंने माजी से बोला, और माजी कैसे भी करके मान गई, तो माजी ने बोला कि बेसन लेके आ बाजार से, बेसन खत्म हो गया था ना घर पे, तो मैं जाता हूँ बाजार। देखो गाइस कितनी कम दुकानें खुली है। भैया बेसन चाहिए था, अभी तो बाहर क्या कर रहा है भाई? तो बाहर क्या कर रहा है तू? लो माजी बनाओ क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज। गाइस माजी फ्रेंच फ्राइज बना रही है, तो माजी इसके मतलब स्टेप क्या होते हैं बनाने के? सबसे पहले तो माजी ने आलू काट दिया ना,
क्या क्या मसाले डालते हैं? मैजिक मसाले भी डालूंगी, देखती हूँ। अब गाइस इसे मिक्स करेंगे, अब टाइम आ गया ना फ्राई करने का, तो मीडियम फ्लेम में करना है फ्राई। नहीं फुल कर देंगे, फुल जल्दी पक जाएंगे, तो अंदर से कच्चे रहेंगे ना। नहीं कर देंगे इसको तेल में, ये झटपट वाला ना तो है, मतलब दे दो फटाफट। गाइज जब तक माजी फ्रेंच फ्राइज रेडी करती है तब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। तो मैं इसी कमरे में पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इस कमरे में ज़्यादा ठंड है ना, उस हिसाब से मतलब बाहर के कमरे के हिसाब से अंदर के कमरा ज़्यादा ठंड है, तो ठंड में पढ़ाई करने का मज़ा भी आता है, ठंडा ठंडा कूल कूल तभी बोलता है। तो मेरा शेड्यूल यही है बस, और कभी कभी नानी के घर जाता हूँ, मतलब यहाँ उतनी जगह नहीं है कि मैं टेबल वगैरह रख पाऊँ, तो इसलिए मैं नानी के घर में रख रहा हूँ, तो वहाँ पढ़ता हूँ कभी कभी जब जाता हूँ। और यहाँ बेड में बहुत मज़ा आती है पढ़ने में, लेकिन थोड़ी गर्दन झुकती है। शाम को मैं जब ट्यूशन हो जाता है मेरा, उसके बाद मैं तब ब्लॉग शूट करता हूँ, तो ब्लॉग शूट करने के बाद तब रात को एडिट कर देता हूँ, तो एडिट करने के बाद मैं तब 8 बजे का शेड्यूल लगाता हूँ 5-10 दिनों से। देखो गाइस टीटू भी आ गया अंदर, ना नहीं पड़ा उसे, बहुत परेशान कर रहा था बाहर। टीटू चल आराम से लेट जाते हैं हम दोनों। हेलो लाफिंग बुद्धा। गाइस जब से यूट्यूब आया ना, मतलब पहले तो उन्हें लोग जानते नहीं थे यूट्यूब को, लेकिन जब से जानने लगे तो लोग तो अब टीवी देखने ही भूल गए कि टीवी कैसे देखते, लोग सब यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब में न्यूज़, यूट्यूब में कॉमेडी वगैरह सब चीज़ यूट्यूब में देख रहे हैं। तो और मैं अभी आपको एक गाना सुनाऊंगा, तो सुनाता हूँ तब तक। वो तुम दे नहीं हमें, मैं किसी और को जगा, लेकिन कोई ना चाहेगा तुमको मेरी तरह, क्या है कसूर मेरा जो दिल से उतर गया, मुड़ के भी ना देखा मुझे तुमने एक दफा, जैसे गर्मी जैसे गर्मी नदी नाले आगे छोड़ के दिल तोड़ के आए, ओ दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा, वफा है मेरी याद करूंगी दिल तोड़ के। ये था मेरा गाना ना, तो मुझे लिरिक्स आ रही थी और जब मैं गाना गा रहा था मेरी दो आवाजें एक साथ निकल रही थी। बन गए, बस तैयार। चलो देखो गाइस, वाओ कितना अच्छा सॉस है, कितने टेस्टी और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, इतने अच्छे कैसे बना दिए? मैं आपका राज क्या है, मतलब इतना अच्छा आपके हाथ सोने से बने हैं क्या? तो वाओ गाइस, आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, खाली हमने फ्रेंच फ्राइज। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना वारियों के बीच, और वीडियोस को शेयर करते रहना। सो गाइस आज के लिए इतना था, सो बाय।